हर पेपर की तरह इस पेपर के अंदर 5 यूनिट्स हैं, और 5 यूनिट्स के अंदर पहली यूनिट जो आती है वो डेफिनेटली आपके जो है इंश्योरेंस के ऊपर आती है कि इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस कितनी तरह का होता है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है, उसके बाद जो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस क्या है, हमें इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, और इंश्योरेंस की कैसे ये सोशल सिक्योरिटी टूल के रूप में काम करता है, किस किस तरह के रिस्क को कवर करता है और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यूनिट 1 के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें कि बेसिक्स ऑफ द इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस के बारे में जो भी बेसिक्स हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा कि बेसिक्स ऑफ द इंश्योरेंस होता क्या है। देखिए ये पेपर जो है ये आपको कैरियर का पूरा एक डायमेंशन बताने के लिए है, ये आपका कैरियर जनरेट करने के लिए है, जिसमें हम हर एक इंश्योरेंस के बारे में जो आपकी लाइफ से ज़रूरी है उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू देंगे कि आखिर उसमें क्या चीज़ है और आपके लिए कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है। इसीलिए आपके पेपर का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, और उसमें कोई भी आलतू फालतू की बात ना रख करके केवल वो टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपकी कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके जो है वो लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसके बाद जब आप बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ लेंगे कि इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, भारत में कितनी तरह की इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इंश्योरेंस में हम किस किस तरह के रिस्क कवर करते हैं, कौन सी तरह के रिस्क अवेलेबल हैं, ये सब जब हम पढ़ेंगे तो सेकेंड यूनिट जो आती है वो आपकी 2 तरह के इंश्योरेंस पे आती है। मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि टोटल जितने भी इंश्योरेंस हैं हम उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो सेकेंड यूनिट जिस पार्ट को आपके पढ़ाती है वो है, पहला है लाइफ इंश्योरेंस, सबसे ज़रूरी पार्ट लाइफ का, क्योंकि लाइफ हम सबके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर किसी फैमिली के अर्निंग मेंबर की लाइफ ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उसकी पूरी फैमिली सड़क पर ना आए, और वो किस तरह लाइफ इंश्योरेंस कराए, और लाइफ इंश्योरेंस के लिए कौन सी पॉलिसी ले, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारी पॉलिसी आती हैं, जैसे कि मनी बैक पॉलिसी है आपकी, एंडोमेंट प्लान्स हैं आपके, टर्म इंश्योरेंस होता है, तो इनमें से कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, हर पॉलिसी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना लाइफ इंश्योरेंस हमें कराना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस का हमारा कवर कितना होना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं वो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। इसी यूनिट के अंदर एक और चीज़ आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको पढ़ा रही थी। इस यूनिट के 2 पार्ट हैं, पहला हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं, और सेकंड हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं वो है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें ये जो आप पढ़ेंगे वो कोर्स स्ट्रक्चर है जर्नल और हाउस इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी तरह के इंश्योरेंस होते हैं, कल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि इंश्योरेंस की कितनी तरह होते हैं और जर्नल इंश्योरेंस में कौन कौन से इंश्योरेंस कवर होते हैं। तो जर्नल इंश्योरेंस क्या होते हैं, जर्नल इंश्योरेंस कैसे लिए जाते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस क्या होते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हर आदमी इंडिविजुअल इंश्योरेंस ना लेके अगर ग्रुप इंश्योरेंस ले लेता है तो सबके लिए प्रीमियम बहुत कम पड़ता है और उसके बाद सबका जो रिस्क कवर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ग्रुप इंश्योरेंस में कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सा ग्रुप इंश्योरेंस अच्छा है, इसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। थर्ड चीज़ जो हम यूनिट 3 में पढ़ते हैं वो है हाउस इंश्योरेंस। मैंने अभी आपको बताया कि हाउसिंग भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और मैक्सिमम बड़े बड़े लोग तो अपने हाउस का इंश्योरेंस कराते ही हैं। इवन आजकल फ्लैट ओनर हस्बैंड एंड वाइफ जो कि जॉब्स पर जाते हैं, जब वो जॉब्स पर जाते हैं तो वो भी अपनी जो अपना जो घर है उसको सिक्योर कराने के लिए वो लोग भी जो है वो हमेशा जो है अपने हाउस का इंश्योरेंस कराते हैं। तो यूनिट 3 में आप जर्नल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे और हाउस इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 4 के अंदर हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट प्लान्स। पहली चीज इम्पोर्टेंट, देखिए एक टाइम के बाद हम सभी को रिटायर होना है। आज का जो सिनेरियो चल रहा है इसमें गवर्नमेंट जॉब्स में भी अब
पेंशन अवेलेबल नहीं है। 2004 के बाद आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट की सारी जॉब्स के अंदर पेंशंस को खत्म कर दिया गया है। जब पेंशंस को खत्म कर दिया गया है तो नेचुरली आपको अपना रिटायरमेंट प्लान जो है वो बनाना ही पड़ेगा कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप यही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीना चाहते हैं तो इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जीने के लिए आपके पास जो है कौन कौन से मनी कहाँ से आएगा, उस मनी को आप कैसे सेव करोगे। तो रिटायरमेंट का प्लान आपको उसी दिन से बना लेना होगा जिस दिन से आपकी जॉब लगती है, ताकि जब आप 60 इयर्स के बाद रिटायर हो तो आपको अपनी फाइनेंशियल नीड के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और आप अपने बच्चों पे डिपेंडेंट ना हो जाएं, क्योंकि खुद बच्चों की इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज होती है कि ज़रूरी नहीं कि उस समय वो आपको सपोर्ट कर पाए। और आप जानते हैं कि 60 प्लस के बाद हमारी नीड्स जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि एक तो हेल्थ से रिलेटेड नीड ज़्यादा हो जाती हैं, दूसरा हमें सपोर्ट चाहिए होता है। तो रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में बताता है, ये वाला पार्ट न केवल आपकी लाइफ के लिए यूजफुल है बल्कि इस प्लान के थ्रू और इस वाले पार्ट के थ्रू आप अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की भी हेल्प कर सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि किस तरीके से वो अपना रिटायरमेंट प्लान प्लान आउट करें ताकि उन्हें अपनी लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत ना आए और उन्हें अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। इसके बाद एक और इंश्योरेंस जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है व्हीकल इंश्योरेंस। तो व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ये मैंडेटरी है कि जो भी व्हीकल आप खरीदोगे वह शोरूम से बाहर तभी निकलेगा जब उसका इंश्योरेंस हो जाएगा। चाहे आप बाइक खरीदो, चाहे आप जो है स्कूटर खरीदो, चाहे आप कार खरीदो, चाहे आप शिप खरीदो, चाहे बस खरीदो, चाहे ट्रक खरीदो, तो व्हीकल इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर आप अपना कैरियर भी बना सकते हो। प्लस आप सबके पास अपना व्हीकल होगा तो यहाँ आपको ये भी पता चलेगा कि आपके लिए कौन कौन सी पॉलिसी जो है सबसे अच्छी है, और जब आप व्हीकल का इंश्योरेंस कराएं तो उस समय इंश्योरेंस लेते समय आप क्या क्या बातें ध्यान में रखें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, टॉप अप इंश्योरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद आती है आपकी यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर जो है वो पढ़ाया जाएगा आपको रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस का रेगुलेशन जो है वो इंडिया में किस तरीके से किया जाता है और ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं इंडिया में जो इंश्योरेंस का रेगुलेशन करती हैं। जैसे इंडिया में जो सबसे बड़ी एजेंसी है जो इसका रेगुलेशन करती है उसका नाम है IRDA, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा इंडिया में कौन कौन से लॉ हैं इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए, IRDA जो है किस एरिया में काम करती है, क्या क्या काम करती है। इससे अलावा रीसेंट टॉपिक जो है, रीसेंट चेंजेस क्या आ रहे हैं इंश्योरेंस बिजनेस में इंडिया के, और फ्यूचर क्या होगा इंश्योरेंस का, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ये था आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर जिसके बारे में आपको पढ़ाया